begin. सेम तरीके से जीरो जीरो दोगे तो कुछ नहीं होगा, पांच पांच दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। ओके,
तो यहाँ पे हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया 93 का आउटपुट क्यों लगाया क्योंकि भाई माइक्रो मोटर में इतनी ताकत नहीं है कि हैंडल कर पाए बड़ी चीजों को, ये बेचारा बस 5 वोल्ट और 40 मिली एम्पीयर करंट ही हैंडल कर सकता है और मोटर जो है हमारे को तो 200-300 मिली एम्पीयर करंट चाहिए होगी, 1 एम्पीयर करंट चाहिए हो सकता है, इसी ड्राइवर का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने इसको लगा दिया है और इसको अनेबल करने के लिए चैनल होगा कि भाई इसको अनेबल करना है, तो चैनल का अनेबल करना 5 वोल्ट को ये दे दिया हमने, तो होगा क्या, इसको उठा के मैंने लगा दिया है 11 नंबर पे, बिकॉज 11 नंबर पे हमारे पास एक PWM अवेलेबल होता है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद इसको 12 वोल्ट दे दिया और फिर एक ग्राउंड दे दिया, खत्म था, बस आपका पूरा रन कर जाएगा। अब अगला आएगा आपका यहाँ पे एक एल्को सेंसर। एल्को सेंसर क्या होता है कि यहाँ पे 1-0 पे एक एल्को सेंसर लगा दिया आपने। अब ध्यान से देखना एल्को सेंसर का खेल क्या है। एल्को सेंसर MQ3 नाम से आता है मार्केट में और पीपीए में कुछ वैल्यू बता रहा होता है, तो एज्यूम करो ये कुछ वैल्यू हवा में बताओ जो एयर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है बताओ, नाइट्रोजन, ठीक है, वैसे ही एल्कोहल का भी कुछ परसेंटेज हर चीज में करना कुछ ना कुछ होता है। तो सेम तरीके से ये जो एल्कोहल है इसके अंदर हमारा जब हम इसको मारेंगे कोई डीओ परफ्यूम हर चीज में एल्कोहल होता ही है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। और फिर मैंने रेंज डाल दी है 600 कि 600 से ज्यादा अगर एल्कोहल डिटेक्ट होता है तो भाई स्पीड अपन को जीरो कर देगा, तो बट एक्चुअली ये तो प्रोटोटाइप है, पर एक्चुअल में इसके लिए बहुत सारी पूरी चीजें लगी है जैसे बूस्टर मॉड्यूल वगैरह बहुत सारी चीज लगी है, अभी बेसिक है बता रखा मैंने कि एनर्जी आई ना डाल, जब वो इस चीज पर आए तो मैं ये चीज घुमा दे फिर इससे काफी एडवांस चीज हो जाती है फिर ये बिल्कुल आप बता सकते हो प्रोटोटाइप सिंपल था। अगर और इसको नहीं हटाना है तो कैसे बता सकते हो कि कितने बैटरी चार्ज होगी, बोलेगा भाई आपने सिस्टम बनाया है इसमें बताओ, ठीक है, तो बोलेगा वो तो उसमें केस में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो LED मैंने LED दिखा रखी है चार, ठीक है, तो समझ लो 80 मिली एम्पीयर एलईडी को चाहिए, यहाँ पे शो हो रहा है 80 मिली एम्पीयर जल रही है मतलब कि जनरेट हो रहा होगा। इसके बाद आपके पास बैटरी कितनी है 1500 मिली एम्पीयर, ठीक है, एज्यूम करो ये बैटरी आपकी सिर्फ एक बैटरी दिखा रहे हो या फिर ये सारी बैटरी दिखा रहे हो, तो एक बैटरी हमारी इतनी है तो ये अराउंड 6 वोल्ट दे रहा होता है 6 वोल्ट और इतना मिली एम्पीयर करंट। तो होता क्या अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 80 मिली एम्पीयर से और ये इसकी रेटिंग है बैटरी की, तो पता चल जाएगा चार्जिंग टाइम कितना निकलेगा, जो भी डिवाइड मार के आंसर आएगा वो चार्जिंग टाइम आ जाएगा कि भाई 3 घंटे या अप्रॉक्स बैटरी चार्ज कर सकता है, टाइम लगेगा कि अगर लगातार ब्रेक मारेगा तो बैटरी चार्ज करेगी, एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज आइडिया बस बाकी का बस और भी थोड़ा पढ़ोगे तो नेट पे भी चीजें मिल जाएगी, बाकी मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया तो उससे ये चलेगा। अब हम इसकी वर्किंग का आते सीधा, वर्किंग में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सुबह का काम, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये सामने की तरफ ही आ गया कुछ चीज, यहाँ से ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, ये स्पीड स्लो हुई फिर धीरे धीरे और स्लो हो जाएगी, ठीक है, और फिर और स्लो और फिर और स्लो ये स्लो होती जाएगी, ठीक है। और इसका लॉजिक क्या है मैं इसका लॉजिक भी बताना चाहूंगा, इसका लॉजिक क्या है स्पीड का लॉजिक, स्पीड का लॉजिक कि जो आपने आउटपुट दिया है ना कैलकुलेशन के लिए ऑब्वियसली बात है आउटपुट ये कैसे समझेगा कि कितने परसेंट ड्यूटी साइकिल देना है, तो ये समझता है जीरो मतलब जीरो ड्यूटी साइकिल और 255 मतलब कि 100% ड्यूटी साइकिल, ठीक है, ये मतलब खाली ये मतलब फुल और इसके बीच में क्या आई वैल्यू 128 लेके चलो मान चलो 128 तो 128 पे 50% ड्यूटी साइकिल। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे जैसे डिस्टेंस पास आती जाएगी वैसे वैसे ये चीज मैप कर दिया है वो बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि ड्यूटी साइकिल
इधर से कम होता चला जाएगा कि भाई इसको रोकते चले जाओ रोकते चले जाओ, दूर हाथ कर दोगे 100% आग पास आते जाओगे, फिर एक टाइम आएगा कि भाई 10 सेंटीमीटर रह गया स्टॉप कर दो गाड़ी को, ठीक है एक बार फिर चेक कर लेते हो, फिर उसको चेक करा लेता हूँ परफ्यूम भी उतना सही है सो जाएगा। आपने बताओ आपके बताया था कोई चलता है रूम फ्रेशर से कम आएगा, ठीक है थोड़ा दूर था ये भी उसके अंदर ही पूरे वैल्यू मार दी, ठीक है बस देखो पहले ओके और मैं थोड़ी देर वेट करना अपने आप ही जब ये वैल्यू स्टेबल हो जाएगी फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है और फिर ये रीजनरेटिव वाला पार्ट हो गया ओके। और इसके बाद यहाँ से दो वायर निकाल लिए यहाँ लगा देते हैं डायोड के साथ, बस कि वो रिवर्स पे चार्ज ना करे सामने की तरफ फ्रंट पे चार्ज करे पोटेंशियल फायर होगा, ठीक है सिंपल सी चीज है क्योंकि अभी तो वोल्टेज कम प्रोड्यूस कर रहा है, आप इसको वोल्टेज को और भी मोटर या फिर कुछ लगा के सीरीज बैटरी या फिर बूस्टर मॉडल आता है क्या करेंगे कि इसको बैटरी चार्ज करते हैं 4 वोल्ट की और 4 वोल्ट की बैटरी का किसी पता है बूस्टर मॉडल आता है, बूस्टर मॉडल मतलब वोल्टेज को बूस्ट करने वाला, क्योंकि पोटेंशियल हाई होगा तभी तो वो नीचे की तरफ वो बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, अगर पोटेंशियल उधर हाई है तो छोटी बैटरी बड़ी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती है, तो इसलिए बूस्ट करना पड़ेगा 15 वोल्ट 16 वोल्ट ले जाना पड़ेगा फिर ये 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी, ठीक है अभी तो हम इसी हिसाब से हमने सारी चीजें डिसाइड करी है और भी बढ़ा सकती चीज होगा कोई एंड नहीं, ठीक है एक बार और मैं करा देते हैं जैसे कि हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं रिले वगैरह लगा सकते हैं, बट रिले को जब पीडब्ल्यू में लगाएंगे ना तो रिले आवाज करती है तो टक 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 आवाज करने लग जाती है, ठीक है चुबक भी सकती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसी की वो कर रही होती है, ठीक है तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया और हमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए ठीक है तो बाई डायरेक्शन तो हमें जो पढ़ नहीं रही है पर गाड़ी का मूवमेंट लेफ्ट राइट बाई डायरेक्शन सब कुछ होता है तो वहाँ पे बच्चों के दूसरे प्रोजेक्ट में रोबोटिक्स भी यूज होता है, ठीक है और पूछ लो बाकी लेटर की बैटरी भी हाँ ये मॉड्यूल देख लो ये अलग से एक बार मैं इसको इस तरीके से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले एक एमडीएफ बोर्ड ले लिया, एमडीएफ बोर्ड का मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर और ये मीडियम डेंसिटी फाइबर ये 1 सेंटीमीटर का कुछ है 10 mm का बोर्ड, ठीक है उसके बाद यहाँ पे ये आ गया बोर्ड एक 8 mm का कुछ लग रहा है वो का बोर्ड ये, इसके बाद यहाँ पे क्लैंप क्लैंप लगा दिए, ठीक है और उसके बाद एक व्हील यहाँ लगा दिया, एक शाफ्ट ले ली तीन की शाफ्ट, ठीक है और एक बेयरिंग लगा दी यहाँ पे बॉल बेयरिंग छोटा सा कुछ नंबर होगा इसको मुझे बता दें देख लेना क्या नंबर है इसका, इसका नंबर 60108ZZ करके नंबर है तो नंबर लगा दो जैसा भी रॉड मिले कोई भी आप लगा सकते हो मर्जी है, ठीक है इसी वाले साइकिल के ये थ्री व्हील्स है ये लगा लिए, ठीक है इसके बाद मोटर डीसी मोटर लगा दी क्लैंप लगा दी अगले से जोड़ दिया और थोड़ा सा टाइमिंग बना लिया कि थोड़ा सा सीधाई में हो नहीं तो चेन उतर जाएगी बार बार, ठीक है और उसके बाद ये व्हील लगा दिया साइकिल का व्हील है जो बच्चों की साइकिल आती है सिंपल सा व्हील है 400-500 का आता है सुपर की चीज है, ठीक है इसके बाद हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आ गया माइक्रो कंट्रोल से कनेक्ट कर दिया और ये समझ लो क्या है ध्यान से वीडियो में पास आगे दिखा दो भाई ये 3 बैटरी लगा दी सीरीज में क्यों लगाई है क्योंकि 12 वोल्ट तो पोटेंशियल चाहिए मोटर को मिलेगी नहीं करोगे तो होगा क्या कि मोटर को पावर तो मिल रही होगी पर उसमें टॉर्क नहीं आ रहा होगा ज़्यादा अच्छा, ठीक है तो यहाँ पे एक डायोड लगाया जिसका काम है कि फॉरवर्ड में करंट को फॉरवर्ड मूव करे 7805 जिसका काम है 5 वोल्ट से सॉरी 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में रेगुलेट कर दे, क्यों क्योंकि 5 वोल्ट का सर्किट आगे का है और 5 वोल्ट की कोई बैटरी नहीं आती है तो मैंने इसलिए अलग से 5 वोल्ट बना लिया, ये 5 वोल्ट बनाने का सर्किट ध्यान देना, ठीक है ये कैपेसिटर है इस स्मूथ करने के लिए अगला कैपेसिटर अगला आगे की पावर सप्लाई स्मूथ करने के लिए एलईडी लगा रखे बल्कि ऊपर इंसेंस लगा दे ताकि उड़ ना जाए एलईडी तो वो एलईडी 20 IR फॉर्मूले से सीधा एक एलईडी का कैलकुलेशन करता है एलईडी को कितना चाहिए मान के चलो 10 mA करंट चाहिए, ठीक है और 5 वोल्ट आप दे रहे हो तो 500 ओम का रेजिस्टेंस आता है तो 500 ओम का रेजिस्टेंस आता है तो 1 kΩ का लगा दो सीधा सीधा वो सेफली चलता रहेगा, ठीक है और ये L290 मोटर ड्राइवर है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको पता चली है ये L290 सेंसर हो गया वायर से आपकी निकली है ये कुछ नहीं इसकी इंटरनली कोई वायर होगी मतलब फंक्शन से स्टार्ट लो तो फिर ठीक है और एक चीज और जैसे कि L290 सेंसर कैसे वर्क करता है पीछे पूछेगा तो L290 और आपको ये बोलेंगे आर्डिनो में कोई यूज किया आपने तो आर्डिनो ओपन सोर्स है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है रैम रोम ईपी रोम इसके अंदर नॉन रियल टाइम मेमोरी है मतलब ये नहीं की मैं कोड करा हटाया तो उड़ गया कोड नहीं तो उसकी वो भी इसके अंदर है लगाए लगाए कोड कर सकते हो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग बोलते हैं ओपन सोर्स है आपसे कोई कोडिंग का जो आईडी होता है वो चार्ज नहीं लेंगे आपसे सबके लिए है सबको इस पे वर्क करता है पाइथन ओपन सोर्स है गूगल की चीजें बहुत सारी एंड्रॉइड ओपन सोर्स है तो ये ओपन सोर्स है, ठीक है और क्या बता सकते हो मेन बात से एल्गो सेंसर में क्या है एक लूपिक लगाया मैंने क्योंकि आपने देखा होगा सारी चीजें छोड़ के इधर लगाया क्योंकि ये मेरे को एक वैल्यू पर ट्रिगर करना है या तो देखो एल्गो डिटेक्ट हुआ या तो नहीं है दो बातें हो गई
पर हमें यहाँ क्या करना है कि हमें डिटेक्ट हुआ कितना है उस पर एक लेवल ला, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले घूम रहे होते हैं तो एक लेवल पे पनिशमेंट देते हैं कि भाई 10 ml के ऊपर, जो भी उनका हिसाब किताब होगा उसके ऊपर होगी तो फिर आपने ज्यादा पी है, उससे आपको सजा भी देते हो कोर्ट में, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर 600 से ऊपर हमने एक रैंडम वैल्यू डाल दिए, रैंडम 150-200 दिखा रहा था तो मैंने 600 डाल के अपलोड कर दिया कोर्ट, तो 600 जब आप मारते हो तो 600 पार कर जाता है तो वो ट्रिगर होते ही वो फिर बंद कर देता गाड़ी, क्या तो बलन बचा दो, बहुत सारी चीज ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्सटेंशन बताता हूँ कि मान के चलो कि एल्कोहल पिया हुआ है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट की होगी, अगर एक्सीडेंट होता है एल्कोहल की वजह से ऐसे किसी भी तरीके से तो बदर बजा फिर जीपे भी तो लोकेशन आ गया फोन पे, ये सब एक्सटेंशन भी डाल सकते हो तो वो कॉस्ट बढ़ा देगा, पर हमें अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंगली बजट को रेडी करना, ठीक है, बस चार और पांच पे हमने इको ट्रिगर लगा लिया, ठीक है। उसके बाद सेटअप करा कोड का, सेटअप का मतलब होता है कि चीज को बताओ कि कौन सी चीज क्या करने वाली है, तो बताया पिन मोड नंबर एक आउटपुट 12 है, फिर उसके बाद उसको इनिशियली जीरो कर दिया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे एक डिफॉल्ट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ रेफरेंस ले लिया डिफॉल्ट, ठीक है, रेफरेंस डिफॉल्ट मतलब 5 होल्ड पूरा सर्किट वर्क कर रहा डिफॉल्ट। उसके बाद सीरियल बिगिन कर दिया 9600, ये बॉड रेट है बिट्स पर सेकंड कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। उसके बाद पिन का मोड 11 नंबर को बोला भाई तू आउटपुट है और इनिशियली तुझे जीरो रहना है, एनालॉग राइट कर दिया इसको, मैंने बताया ना PWM, ये एनालॉग राइट कर दिया, 11 नंबर पे जीरो वैल्यू डाल दी, वैल्यू कितनी उससे मैक्सिमम 255 का मतलब मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। इसके बाद लूप चलेगा लगातार ये सेंस करेगा, ट्रिगर करेगा, भेजेगा वैल्यूज को भेजेगा अपनी, उसके बाद पल्स की ड्यूरेशन वगैरह मैप होंगी, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में आएगा कि रीड करो सेंटीमीटर कितना आ रहा है, फिर एल्कोहल की वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि अगर एल्कोहल की वैल्यू 125 सेंटीमीटर से ज्यादा और एल्कोहल की वैल्यू 900 से कम है मतलब कि नहीं है एल्कोहल डिटेक्टेड, तो फिर ये मैक्सिमम स्पीड पर गाड़ी चलती रहेगी, सीधा लॉजिक है। उसके बाद डिस्टेंस कम होता जाता है, 100 हुआ डिस्टेंस और 125 के बीच में है तो 200 कर दिया स्पीड, 100 कर दी और फिर इसके बीच में तो 180 स्पीड कर दी, फिर 100 कर दी स्पीड, फिर 50 कर दी और फिर अब ये कंडीशन मैच हुई अगर तो स्टॉप कर दी गाड़ी, कि अगर डिस्टेंस कम होता है बिल्कुल 10 से नीचे और एल्कोहल 600 से ऊपर तो भाई गाड़ी को स्टॉप कर दो बस खत्म। और उसके बाद एक कोड का वो अपना इंस्ट्रक्शन उसकी समझा रखी है जो फंक्शन कॉल कर रहा है माइक्रोसेकंड्स का अल्ट्रासोनिक का, खत्म, ठीक है। तो ऑल डन, you can search Zara Technologies on Google, you will find our website, and on website you will find so many things about engineering projects like PPT, project reports, documents, codes, tutorials, etc. You can also come here for M.Tech project, B.Tech project, PhD project, and you can submit your requirement here to make the project custom projects. And in lab also you can come, and in lab you can make project by your own in our guidance in one day workshop. You can buy project, component, etc. from online or offline. Both options are available. If you want to make something unique, new, creative, just WhatsApp us on the number given in the description box. And guys, thank you so much for watching the video. You can subscribe to this channel for more project ideas, tutorial videos, DIY videos, etc. Thank you so much. Begin.